आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों। भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले व दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से चुनाव लड़ेंगे। सिराथू की सीट, जबकि केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से प्रत्याशी होंगे। कैराना विधानसभा सीट के मृगांका सिंह भाजपा प्रत्याशी होंगे। पार्टी के यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूची जारी की है। भाजपा ने पहले चरण की 58 सीटों में 57 उम्मीदवार व दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 प्रत्याशियों की घोषणा की है। भाजपा ने श्रीकांत शर्मा को मथुरा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। वह योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। भाजपा ने 107 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। आइए ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं क्या है बीजेपी की पहले व दूसरे चरण की चुनावी प्रक्रिया। बीजेपी की पहली लिस्ट, योगी आदित्यनाथ 322 गोरखपुर शहर, योगी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य 251 सिराथू, बेबी रानी मौर्य 90 आगरा ग्रामीण। तो है गुलाबो देवी चंदौसी, मृगांका सिंह कैराना, सपना कश्यप चरतवाल, कमलेश सैनी चांदपुर, राजबाला मिलक ठाकुर। कुल प्रत्याशी 20, 18.59% वोट, ओबीसी 44 प्रत्याशी। तो वहीं 40.18% वोटिंग है। एसएससी कुल 20 प्रत्याशी हैं, तो प्रतिशत 18.59। तो आपने देखा कि गोरखपुर विधानसभा 2022 यानी गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ेंगे, मृगांका सिंह कैराना से लड़ेंगी, सपना कश्यप चरतवाल, तो वहीं कमलेश सैनी चांदपुर, तो राजबाला मिलक से, बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण से होंगी। आपको बता दें कि पंजाब में खबर संभल से है, जहां बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मायावती के 66वें जन्मदिन पर बसपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उनके लंबे उम्र की कामना की। आपको बता दें कि असमोली विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी रफतुल्ला के कार्यालय पर बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान बसपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए मायावती का जन्मदिन मनाया। बहन जी के 66वें जन्म दिवस पर जो है हम सब लोगों ने यहाँ केक काट कर अपने घर के अंदर 66वां जन्मदिन मनाया है और अपने आवाम को संदेश दिया है कि 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। संभल और असमोली विधानसभा जो है इस बार इतिहास रचेगी और बड़ी जी जान से जो है छिद्दा भाई और संभल से शकील भाई दोनों हमारे विधानसभा को तैयार कर रहे हैं और दोनों पूरी तैयारी से जुटे हैं रातों दिन। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए सीआरपीएफ जवान एवं पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। जिलाधिकारी सुनील कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश में सीओ महेंद्र प्रताप सिंह ने सीआरपीएफ बल के साथ कस्बे में अति संवेदनशील इलाके के अलावा क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर मतदाताओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस दौरान अधिकारियों ने संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों पर पहुंचकर बूथों के बारे में जानकारी दी। वहीं सीओ महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज सीएपीएफ के साथ थाना एरवा कटा थाना क्षेत्र के
13 क्रिटिकल मतदान केंद्र एवं उससे संबंधित गांवों का भ्रमण किया गया तथा लोगों से शांत एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील किया गया। इरवा कटरा थाना क्षेत्र के प्रमुख कस्बा जैसे उमरैन, इरवा कटरा एवं सुल्तानपुर का भी CAPF के साथ भ्रमण किया गया तथा लोगों से शांत एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। खबर रायबरेली से है, जहां विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए अर्धसैनिक बल पुलिस फोर्स ने शिवगढ़ थाना क्षेत्र की आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में पैदल फ्लैग मार्च निकालकर विधानसभा चुनाव में लोगों से शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराने और विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। खबर फतेहपुर से है, जहां चांदपुर अंतर्गत दर्जनों संवेदन एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ पैरामिलिट्री फोर्स ने सभी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस मौके पर थाना चांदपुर थाना प्रभारी योगेश कुमार सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक शशिभान सिंह, चौकी इंचार्ज अमौली राम नरेश यादव एवं चौकी इंचार्ज दपसौरा सहित भारी पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद रहे। खबर चंदौली से है, जहां नहर के पानी से जिला अस्पताल और CMO दफ्तर पर परिसर पानी में से भर गया है, जिस कारण कर्मचारी मरीज तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वही पानी भर जाने के कारण जिला अस्पताल के OPD पर्ची काटने का स्थान बदल दिया गया है। दरअसल अस्पताल के गेट दुकान वाले वेस्ट को अस्पताल से सटे नाले में फेंक देते हैं। वहीं कार्यरत कर्मचारी ने बताया कि जिला अस्पताल के बाहर का नाला बिल्कुल जाम है, जिस कारण नहर का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। पूरा नाला जाम हो गया है। पूरा नाला जाम हो गया है। उधर कुटवार पानी सरकारी अस्पताल में आ रहा है और इससे तो पूरा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, कोई आएगा ही नहीं। पूरा चारों तरफ भर गया है पूरा था। अच्छा, पानी निकाला जा रहा है कि नहीं? पानी तो उनको निकल ही नहीं रहा है। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पे सफाई कर्मी है हम। अच्छा, तो अभी पानी नहीं निकल रहा? नहीं, निकल ही नहीं रहा है। आगे नाला पूरा जाम है, पुल का अंदर जाम हो चुका है। खबर बस्ती से है, जहां वीरांगना रानी तलाशी कोरी जिला महिला अस्पताल में एक बच्चे को जन्म देने के बाद महिला लापता हो गई। नवजात बच्चा प्री टर्म होने के कारण उसे CNCU में रखा गया, जहां बच्चे को फीड कराने के लिए महिला वापस आई और 2:15 बजे अस्पताल से लापता हो गई। वहीं मामले की सूचना महिला की मुख्य चिकित्सक डॉक्टर सुषमा सिन्हा को दी गई। एक पेशेंट आई प्रिया करके, उसको डिलीवर्ड थी, प्लासेंटा इनसाइड था, उन्हें प्लासेंटा सेपरेट नहीं था, प्लासेंटा अंदर ही था, तो उसकी डिलीवरी यहाँ करा दी गई। उसके साथ कोई 15-16 साल का लड़का आया था, लेकिन वो चला गया, वो रहा नहीं। तो फिर हम लोगों ने उसका पुलिस इन्फॉर्मेशन भी करवा दिया था। बच्चा चूँकि प्री टर्न था तो उसको ऊपर SNCU में भेजा गया और उसको हम लोगों ने ट्राइज एरिया में ही रखा फॉर सेफ्टी पर्पज़। पूरी डिटेल्स उसका हम लोगों ने ले रखा था। वो बच्चे को फीड कराने ऊपर SNCU गई, SNCU से वापस आई है और करीब 2:15 बजे के बाद से वो मिल नहीं रही थी। हम लोगों ने काफ़ी खोजने की कोशिश की उसको, और चूंकि सामान उसका पड़ा था तो ये था कि शायद आसपास गई हो फिर आ जाए, नहीं आई। जब इसी तरह से 4-5 घंटा बीत गया तो फिर 8 बजे रात में मैंने फिर रिपीट पुलिस इन्फॉर्मेशन करवाया और आज मैंने SP साहब से भी बात करी है, SP के SNO साहब से बात की है, मैंने वहाँ कोतवाल साहब से बात किया है कि सभी डिटेल्स उसके दिए हैं, लेकिन अभी तक वो लड़की टर्न अप नहीं हुई। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के सतपुरा गांव में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आने से 8 व्यक्ति झुलस गए, जिसमें 2 की मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट के चलते पटाखा फैक्ट्री में
आग लग गई। अंदर काम कर रहे मजदूर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आग में झुलसे लोगों को अस्पताल भिजवा दिया। वही एमओ एस के जैन ने बताया कि जिला अस्पताल में करीब 8 लोगों को पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से झुलसने के बाद भर्ती कराया गया है, जिनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर है। डॉक्टर एस के जैन यहाँ पर जिला अस्पताल SBD जिला चिकित्सालय में एज ए EMO तैनात हूँ। यहाँ पर हमारे पास करीब 2:45 बजे एक जो हमें बताया गया कि बिहारीगढ़ में स्थित कोई पटाखा फैक्ट्री है, वहाँ पे आग लग गई थी। तो वहाँ से 8 कर्मचारी झुलस गए थे, वो हमारे पास आए हैं। उनमें 4 की हालत गंभीर है और 4 स्थिर अवस्था में है। और हमारे सभी जो सीनियर सर्जन हैं और ऑर्थो सर्जन हैं वो सभी आ गए हैं। हमारी टीम उनके ऊपर काम कर रही है। सभी को भर्ती कर लिया गया है। आगे की पुलिस को सूचित कर दिया गया है। आगे की स्थिति के बारे में अभी नहीं कुछ कहा जा सकता है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां डेबरुआ पुलिस SHO सर्विलांस टीम ने 11 जनवरी को हुई एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या का खुलासा करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें जमीनी मामले में और पैसे के लेन देन की बात सामने आई है। वहीं पुलिस कप्तान यशवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि डेबरुआ थाना के मुतवहा के युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मामले में हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के गाँव के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्त से चाकू और मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। सुनसान क्षेत्र है, कटरी का एरिया है, जंगल के एरिया है, उसमें उसी गांव के 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से एक फरार है। इनके पास से 500 लीटर अपमिश्रित नकली शराब और 6 किलो यूरिया, 2 बड़े गैस सिलेंडर, 1 मोटरसाइकिल और 1 नाजायज राइफल देसी 315 बोर बरामद हुई है और 2000 लीटर से अधिक लहन की बरामदगी हुई है, जिससे ये अधिक मात्रा में और अन्य उपकरण जो अपमिश्रित शराब बनाने के लिए इन्होंने लगा रखे थे उसकी बरामदगी हुई। अवैध अपमिश्रित शराब के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान भी चल रहा है, उसके तहत ये जारी रहेगा और जनपद में सर्च कर रहे हैं, हमारी टीमें सर्च कर रही हैं। अगर कहीं भी कोई इस तरह का इंस्टेंस मिलेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महाराजगंज कोतवाली में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली क्षेत्र के मऊ नहर पर तेज रफ्तार गाड़ी को पुलिस ने घेर लिया। वहीं तलाशी पर 2 अवैध असलहा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। खबर देवरिया से है, जहां खुंखदू थाना प्रभारी नवीन चौधरी ने पुलिसकर्मियों के साथ वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक की तलाशी ली। वहीं पुलिस ने युवक से पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। खबर फरीदाबाद से है, जहां पलवल जिले में अवैध हथियारों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। होडल CIC पुलिस ने एक बार फिर हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने एक आरोपी से 13 देसी कट्टा बरामद किए हैं। आरोपी कार में राजस्थान से हथियारों को अपने गांव ले जा रहा था। पुलिस ने करमन बॉर्डर पर नाकाबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर ले लिया है। खास ने सूचना दी थी कि ऐसे बात है, संजीत अपनी डिजायर गाड़ी के अंदर कुछ इलीगल वेपन लेकर अपने गांव में जा रहे हैं, राजस्थान से लेकर आए, जो हमने नाकाबंदी करके इसको काबू किया और गाड़ी की तलाशी लेने पर इसे 13 देसी कट्टा बरामद किए गए। तस्करी करता है और इसका आपराधिक रिकॉर्ड ये, इसके खिलाफ पहले भी 4 मुकदमे अन्य धाराओं में दर्ज है। तो यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV
सच साहस सरोकार।